जिसने आपको देखा होगा, मैंने रोज आपके लिए क्लास 10th के, 12th के और अबाउट 11th के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे, और अभी तक भी जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, ठीक है। तो देखिए, मैंने कल 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने कराए थे, 13 में क्या करना है देखिए। क्वेश्चन 13 में क्या है, हमें क्या निकालने हैं, 15, फर्स्ट 15th हमें क्या निकालना, सम निकालना। क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ऑफ क्या, मल्टीपल ऑफ 8 का, यानी कि हमें 8 के मल्टीपल, तो 8 के मल्टीपल ये होते हैं ना, 8, 12, इस तरह के। कितने टोटल दे रखे हैं, 15, ये तो n15 हो गया। देख रहे हैं, ए 8 है, डी भी 8 ही होगा, एन हमें पता है, हमें क्या निकालना है कि s15 कितना होगा। आप लोग आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो बस मैंने आपको हिंट्स दे दिया है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कोई डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 14 में क्या है, देखिए 14 में क्या है कि 0 0 एंड 15, यानी 0 और 50 के बीच में जितने ऑड संख्या है ना, उनके सम बताने। कहाँ से, 0 और 50 के बीच में, शुरू कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5, कहाँ तक, 50 तक। तो 50 के पहले ऑड नंबर क्या होता है, होता है 49। मैंने लिखा वो नंबर जो कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है, ऑड नंबर से मैं लिखा है वो इस तरह के, ठीक है। अच्छा, देख रहे होंगे आप यहाँ पे ए ने, यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है an, an कितनी है, 49, ठीक है। ए हमें 1 पता है, डी हमें 1 पता है, हमें निकालना क्या है कि सम कितना होगा। तो इसमें पहले तो हमें एन निकालना पड़ेगा, तो एन निकलेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ से एन निकाल के जितना एन आएगा उससे फिर सब सम निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला का कौन सा वाला, इसे जल्दी बनेगा, ए प्लस एल वाला। एल क्या होता है, या एन या एल दोनों सेम ही होता है, यह 49 हो जाएगा। ई यहाँ वैल्यू पुट कर जाएगा, 1 हो जाएगा। एन कहाँ से निकलेगा, इस फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ए पता है डी पता है, तो वहां से एन भी एन का निकल जाएगा ना उस फॉर्मूले से। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा, क्वेश्चन नंबर 14 का बेसिक जो मैंने बताया। आप लोग इसको क्वेश्चन को खुद कीजिए, जो डाउट्स होगा आप लोग मेरे को बताइएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं कहता हूँ 50 नंबर, क्या कि 15 नंबर क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन 15 में क्या है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन जो घर बनते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और क्या हो रहा है, कोई जो जो काम जो जैसे कोई कोई होता है ना कॉन्ट्रैक्टर, तो काम देता है किसी को करने के लिए कि सर आप काम 10 दिन में कर दो, 1 महीने में कर दो, लेकिन काम किसी वजह से नहीं हो पाता है, तो वहां पे क्या करता है उसको, वो लगता है फाइन लगता है, क्या लगता है उसको, फाइन देने पड़ते हैं। तो जितना लेट करेगा उसके अनुसार, पहले दिन का फाइन 200 रुपये है, सेकेंड दिन का फाइन 250 रुपये है, और थर्ड का 300 है। यानी ऐसे करके ये 50 दिन क्या हो रहा है, ये महीने का पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा, ऐसा करके कितने दिन चलेगा, ये चलेगा 30 दिन तक, क्या चलेगा, 30 दिन तक, यानी कि एन हो गया 30। और ये बढ़ कितना रहा है, 50 50 रुपये बढ़ ही रहा है, पहले 200 था, 50 हो, फिर 250 हो गया, फिर बढ़ा 50, 300, इनकी 350 इस तरह चलता रहा है। तो यहाँ पे ए हो गया 200 और डी कितना होगा, 50, क्यों कितना बढ़ रहा है, 50 50 बढ़ रहा है। हमें क्या निकालना है यहाँ से, तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना जुर्माना देना पड़ेगा, हाउ मच, ठीक है, यानी कि हमें सम निकालना है। थोड़ा सम का n/2, 2a+n-1 * में डी, तो एन हमें पता कितना, 330, और 2a पता कितना है, 200 प्लस n-1 यानी 30 - 1, डी पता है पता कितना, 50। तो ये जगह 15, ये जगह 15, ये कितना जगह, 400।
ये जगह 29, तो 29 9 में क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करके कर दीजिए, कितना हो गया 9 45 के 5 बचा 4, यानी इतना हो गया। इसको अब ऐड कीजिए 400 से, कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1850। अब क्या करना है इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करके देखिए एक बार, 185 में करना 5 से, तो जगह 5 और 18 5 कितना होता है 90, 90 2 92 हो गए, 185 हो गए, यानी कि कितना आएगा 2775। यहाँ पे 0 था, 0 लगा दिया मैंने, यानी इतना रुपी जो उसको पेनाल्टी लगेगा, फाइन देना पड़ेगा 1 महीने में, यानी कि 30 दिन में उसको इतना फाइन देना पड़ेगा मालिक को, जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम लेट किया है उसके लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन नंबर 15 16 में क्या है, अब कोई स्कूल में क्या हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है स्कूल में, क्या होता है, होते ना प्रदर्शन, कुछ हो रहा है वहां पे, कल्चर प्रोग्राम हो रहे हैं वहां पे, वहां पे फिर 7 दिए गए हैं पुरस्कार, क्या क्या है, 7 कैश पुरस्कार दिए गए हैं, वहां पे दे रखा है टोटल रुपये 700 रुपये, यानी कि 700 रुपये टोटल वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, और प्रत्येक को क्या है, जो जितने मिले हैं ना पैसे, सबको 20-20 रुपया कम है, माने पहले को 100 रुपये मिला, दूसरे को 80 मिलेगा, यानी कि 20-20 रुपये कम मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं 20-20 रुपये कम, पहले को 100 रुपया मिला, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने क्या बताया अभी, कोई स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ वहां पे हुआ है कल्चरल प्रोग्राम वगैरह स्कूल में, तो टोटल वहां पे 700 रुपये बांटे गए हैं। ठीक है ना, तो क्या मैंने बताया, जितना पहले को मिला है उससे 20 रुपया कम कम मिल रहा है, मैं पहले को क्या 100 मिला होगा, दूसरों कितना मिला है 20 कम की 80 मिलेगा, फिर 20 कम कीजिए, जिन्हें पता नहीं है कि पहले को मिला कितना है, तो ये मानते हैं लेट फर्स्ट प्राइज, लेट फर्स्ट प्राइज को मैंने एक्स मान लिया फर्स्ट को, तो सेकंड कितना हो जाएगा एक्स माइनस 20 हो जाएगा, फिर थर्ड कितना हो जाएगा एक्स माइनस 20 तो था ही, इसमें 20 और करेंगे माइनस, तो एक्स माइनस 40, यानी ये बनेगा ए पी, पहले एक्स हो जाएगा फिर एक्स माइनस 20 हो जाएगा फिर एक्स माइनस 40 हो जाएगा 40, इस तरह के एपी बनेगा, पहला ए हो जाएगा दूसरा ए तीसरा इस तरह के। ठीक है ना, यहाँ तक ना, यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं हो जाए। और इसमें टोटल कितने बटे हैं प्राइज, 7, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं। ठीक है ना, तो ये रहा एन की वैल्यू। अब लगाना सम का, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो सम दे रखा है 700 और एन क्या दे रखा है 7 7/2 और ए कितनी है एक्स है, तो एक्स लिख दीजिए आप लोग, यहाँ कितना था एन कितनी है 7, कितनी है 7, 7 में से क्या ए कितना होगा 6 हो गया 6, डी कितनी निकलेगी, डी कितना होगा नेगेटिव का 20 होगा, यहाँ कीजिएगा आप लोग माइनस एक्स माइनस 20 और माइनस का एक्स, तो कट जाएगा बचा कितना निगेटिव बचेगा डी का, क्योंकि 20-20 क्या हो रहा है 20-20 कम रहा है, बढ़ने रहा क्या 20 कम रहा है, कॉमन क्या 20 निगेटिव में जा रहा है वो, तो डी कितना का नेगेटिव का हो जाएगा डी। किसी को डाउट है तो कीजिए कीजिएगा आप लोग, एक इसको कीजिए मल्टीप्लाई में 7, ये 2 मल्टीप्लाई में होगा 7, ये मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आएगा डिवाइड में, इधर ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस, ये रहा प्लस में प्लस ये रहा माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 120, ये कितना एक कटेगा 100 वर्ड में होगा 200, 200 इक्वल में 2x माइनस का 120, इसको इधर ले आइए, तो ये निगेटिव में है, ये किस में हो जाएगा पॉजिटिव में, तो ये 200 100 कितना जाएगा, ये 320 इक्वल में 2x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 160, यानी पहले फर्स्ट प्राइस कितना मिलेगा 160 रुपये मिलेंगे, क्या होगा पहले वाले को मिलेगा 160 रुपीज, फिर कमेगा हो जाएगा 140, फिर कमेगा तो जाएगा 120, फिर मिलेगा 100, ऐसे ऐसे करके टोटल 7 प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, लास्ट में देख लीजिए कितना कितना आप पूरा कर लीजिएगा ना आप लोग, तो ये 100 फिर 80 हो जाएगा इस तरह के 60 40, 1 2 3 4 5 इतना ही होगा। ठीक है ना, ये तो टोटल 7 प्राइज मिले थे, पहले को मिला 60 रुपये, फिर मैंने 40 कम किया, इस तरह करते करते लास्ट वाला कितना मिलेगा 40 रुपये मिलेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 जो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है,
में क्या है, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए स्कूल के बाहर में और अंदर में क्या लगा जा रहा है, पेड़ लगाने के सोचा गया है। निर्णय ये लिया गया है वहां पे कि जो बच्चे जिस क्लास में, अगर मान ली क्लास 1 में है तो एक पेड़ लगाएंगे, क्लास 2 में होंगे तो 2 के पेड़ लगाएंगे, इस तरह के सबको लगाने हैं। ठीक है, कहाँ तक लगाना है, ये क्या करना है, ये क्लास 12 तक है। कितने तक है, ये 12 तक, इस तरह के। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 12 हो गई, क्योंकि 1 2 3 4 5 का कितना तक, 12 तक क्लासेस है, तो इन 12 हो गया। हमें निकालना कितना है कि कुल पेड़ कितना होगा, कुल पेड़ कितने होंगे। देखिए आप लोग, कुल पेड़ कितना होगा देखता हूँ मैं करके यहाँ सोल्यूशन वगैरह। तो निकाले एन, तो एन क्या होता है, फॉर्मूला का सम का, एन बाई टू 2a+ एन -1 इंटू में डी। तो एन कितना है, 12, तो 12/2 लिख दिया, 2a लिख दिया। एन कितनी है, 12 में से क्या 11 हो गया, 12 - 1 करेंगे ना तो 11 हुआ कि नहीं होगा, डी कितनी है, 1 है, तो ये जो है ये कितना, ये 6 हुआ कि नहीं होगा, 6 हो गया, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 11, तो 11 2 कितना हो गया, कितना होगा यहाँ से देखिए, 11 2 कितना होगा, 13 मल्टीप्लाई में 6 कितना हो गया, 78 हो गए। तो ये तो सब निकला। अब हमें देखना है यहाँ पे कितने कितने पेड़ लगाने हैं, ये देखिए ये क्या था, इधर 1 2 ये यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को, जो मैंने कराया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रत्येक कक्षा में कितने हैं, 3 3 ओ/सेशन, कितने बड़े टोटल 3। ये कब का मैंने निकाला कि जब एक क्लास में अगर कक्षा 1 है तो उसमें एक पेड़ लगाएंगे, दो सब एक एक लगाएंगे, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि ये जो 1 क्लास है इसके भी 3 है सेक्शन, इसके भी 3 सेशन है, तो टोटल में कहने का मतलब कि ये 3 3 सब लगाएंगे। ये तो रहा किसके लिए, एक एक के लिए रहा ना, हमें क्या निकालना है, 3 3 के, तो इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 24 के 4 हो गया, 27 21 21 बाईस, 27 21 और 2 23 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा टोटल आंसर, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। मीन्स क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक हमें पौधे लगाने थे, तो ये तुम जो मैंने निकाला सम किसका था, ये था एक पौधे के लिए, लेकिन एक से मतलब कि एक क्लास में एक ही होगा सेशन तब का, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक क्लास के टोटल कितने सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस हैं, तो 3 के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 234 टोटल ट्रीज हो जाएंगे जो कि हमें लगाएंगे क्वेश्चन को कम करने। क्वेश्चन में देखिए 18 नंबर में क्या है, 18 में क्या है, एक सर्कल इस तरह का बना हुआ है, देखिएगा बुक में आप लोग, दिखेगा आपको, इस तरह के बना हुआ स्पाइरल, क्या बना हुआ है, इस तरह का स्पाइरल बना हुआ है, तो ये बनाएंगे पहला स्पाइरल हुआ, नीचे दूसरा वाला, इस तरह के स्पाइरल बने हैं टोटल। इसमें टोटल स्पाइरल दे रखा है 13, क्या रखा है इसमें टोटल कितने, 1 2 3 4 5 के टोटल 12 स्पाइरल दे रखा है, कितने दे रखा टोटल, देखिए इस तरह का फिगर है बुक में दिया हुआ, इस तरह का फिगर है, ठीक है ना, ये फिगर है, इस तरह के टोटल कितने फिगर है टोटल, यहाँ लिखा देखिए लिखा है 13, यानी कि एन कितने टोटल है, इस तरह के 1 2 3 4 5 6 का टोटल 12 है, इसमें 13 है, ठीक है ना। तो अब देखिए इस पहले वाले का कितना होगा, अब देखिए पहले वाले का दे रखा है, उसका दे रखा है रेडियस 0.5 है पहले वाले का, दूसरे वाले का 1 है, फिर 1.5 है, इस तरह का बढ़ रहा है, तो ये तो रहा रेडियस। तो अगर मैं इसका पूरा निकालूं एरिया, वो क्या बोलते हैं उसको, सर्कमफेरेंस किसका, सेमी सर्कल का, क्या सेमी सर्कल का क्या निकालना है हमें, पेरीमीटर, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला कहता है, पाई आर, क्या होता है, तो अगर मैं फर्स्ट के लिए निकालूं तो क्या होगा, पाई आर 22/7 मल्टीप्लाई क्या होगा, 0.5 होगा,
ये रहा पहले वाले का, इसको कटेंगे अपॉन में 10 आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा, इसे कटेगा दो बार में, ये हो गया 11, तो 11/7 हो जाएगा। अगर मैं देखूँ सेकंड वाले के लिए तो क्या 15 लगा पाई आ रही, तो पाई इतना हो गया। अब आर कितनी है, आर हो गया 1, या 1 रख दीजिएगा 1, तो कितना 22/7 हो जाएगा। हट के निकाल दो, 22/7 और 1.5/10 में कितना 10 हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो ठीक है ना, यहाँ तक ये कितना कटेगा, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, तो 33/7। देख रहे आप एपी किस तरह का बनेगा, 11/7, 22/7, 33/7, ठीक है, इस तरह के एपी बन गए। अब यहाँ से ए कितना हो गया 11/7, डी कितना होगा 22/7 माइनस का 11/7, तो 11/7 हो जाएगा डी। और एन दे रखा 13, हमें क्या निकालना है, सम कितना होगा, सम क्या होता है, एन बाई टू प्लस 2a, ठीक है ना, एन बाई टू, एन कितनी थी 13 थी, फिर क्या होता है 2a, 2a है ये वाला, 2a हो गया प्लस एन माइनस 1, तो एन कितनी थी 13, 13 से क्या कितना जगह 12, डी कितनी है 11/7, ये जगह 11, ये जगह 13/2, ये कितना होगा 22/7, ये कितना होगा देखिए ऐसे करके 12 और 12, तो 132/7, इसको ऐड कीजिए 132 में कितना 22 को ऐड कर कितना आ गया ये 154/7 और 13/2, इस तरह के, ठीक है, बिल्कुल मैंने थोड़ा फास्ट किया कैलकुलेशन, बस मेथड मैंने आपको समझाया है, कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, 22 हो गया यहाँ से, इसको मैंने एलसीएम लेकर ऐड किया कितना आ गया। अब क्या होगा, इससे कटेगा कितने बार में, ये कटेगा 22 बार में, इसे कटेगा 11 बार में, तो 13 मल्टीप्लाई 11, 13 मल्टीप्लाई 11, तो 13 और 13 कितना जाएगा 143 हो जाएगा, कितना जाएगा 143 हो जाएगा, कितना जाएगा 143 हो जाएगा सेंटीमीटर, इतना आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब बोला कि सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, क्योंकि जो यहाँ पे जो दिया था रेडियस की वैल्यू किसमें था, वो किसमें था, वो था सेंटीमीटर में, तो ये सब कितना में, ये सब किसमें आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ये सब सारे किसमें आएंगे सेंटीमीटर में आएगा, सम भी किसमें आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा एक्चुअली, ठीक है ना। यहाँ तक कोई आप लोग को डाउट है तो बताए जल्दी जल्दी, कोई डाउट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 19 में देखिए, इस तरह का आपने फिगर देखा होगा अभी, ये रहा 19 में ये फिगर है, इसमें टोटल 200 रखे गए हैं लॉग्स, कितने हैं टोटल 200 हैं, नीचे वाले में 20 हैं और फिर 19 इस तरह के हैं, पहले वाले में कितने हैं 19 है, 19 है, 20 है पहले वाले में, पहले वाले में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 इस तरह के कम रहे हैं, ठीक है ना, ये रहा। और एस दे रखा है 200, ए दे रखा है 20 और डी हो गया निगेटिव का 1, तो हमें निकालना है कि एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू कितनी होगी और निकालना है, तो फोन करते सम का एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, एस दे रखा है 200, एन दे रखा कितना ये तो निकालना है हमें 2a, ए दे रखा कितना 20 ना, यहाँ पे ए कितनी है 20, ये हो जाएगा 40 प्लस एन माइनस 1, डी दे रखा माइनस का 1, ठीक है, इसकी इधर ले मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 इक्वल में एन, ये जाएगा 40 प्लस ये कितना होगा माइनस का एन, कितना जाएगा माइनस का एन, ये होगा माइनस माइनस प्लस का 1, तो 40 कितना जाएगा 41 माइनस का एन, बाहर में है एन, ये आएगा 400, तो इसको कीजिएगा कितना आएगा 41 एन माइनस एन का स्क्वायर इक्वल में 400, इसको इधर ले आइए तो एन का स्क्वायर माइनस का 41 एन और प्लस का 400, ये रहा ऐसे, तो इसको ब्रेक करना है, इसे ब्रेक होगा तो कितना में एन स्क्वायर माइनस 25 और माइनस के 16 एन में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से कॉमन की जगह तो यहाँ से एन इक्वल टू 25 हो जाएगा, ये कितना आएगा यहाँ से 16 कॉमन कर लीजिए तो एन माइनस 25 हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा आप तो एन माइनस 25 और एन माइनस 16, तो एक एन की वैल्यू कितनी आएगी 25, एक एन की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है ना।
कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है ना आप लोगों को? अब देखिए, अब दोनों में से कौन सा पॉसिबल होगा? दोनों पॉजिटिव में है, मैंने बोला था कि एन इक्वल पॉजिटिव में होता है, लेकिन जैसे ही आप लोग निकालिएगा उसमें एन की वैल्यू में करके देखिएगा कि ए टर्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? देखिए अब मैं बताता हूँ, यहाँ 20 है, 20, 19, 18, 17 इस तरह के, तो टॉप में कितना, ये तो होगा नहीं कि कि पेड़ निगेटिव में रखिएगा, निगेटिव का दो पेड़ है, निगेटिव का चार पेड़ है, तो लॉग लॉग है तो लॉग किस में होगा? पॉजिटिव में होगा ना। टॉप में कितना होगा? 16 में टॉप होगा इस तरह के, तो एन ये 16 पॉसिबल होगा। जब इससे आप कीजिएगा तो वैल्यूज क्या होगा? टॉप पे जो होगा निगेटिव में आ जाएगा, तो वहाँ से वैल्यू आप नहीं निकाल सकते टॉप वाले पे, ठीक है? तो ये पॉसिबल होगा, एन की कितनी 16 हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन 20 में क्या है, क्या है 20 नंबर इस तरह का क्वेश्चन, देखिए 20 में ये फिगर दिया हुआ है, क्या ये फिगर दिया हुआ है, ये वाला, ये मैं सुना था इस क्वेश्चन को क्या दिखा दिया हुआ है, एक रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक रेस हो रहा है, एक रेस है यहाँ पे, क्या रेस हो रहा है, पहली जो रखी हुई है वो रखा हुआ है 5 मीटर पे, यानी यहाँ पे 5 मीटर हो गया, फिर दूसरी आलू रखी हुई है, फिर यहाँ से 3 मीटर दूर पे, यानी 8 का इस तरह के, टोटल इसमें आलू है कितने, 10 टोटल आलू हैं। इस तरह के पहले 5 पे हैं, फिर 3-3 बढ़ रहा है, तो 5, 8 इस तरह के 11, ठीक है? तो कंप्यूटर क्या करना है, यहाँ से 10वें आलू के पास जाना है, अब फिर वहाँ से यहाँ पे आना है, तो पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, हमें सम हमें निकालने हैं। तो पहले ये निकालते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा है हमें समय, टाइम, मतलब कितना दूरी है। तो एन तो पता हो गया हमें कि 10 दे रखा आलू वहाँ पे, और ए दे रखा है 5 और डी दे रखा है 3, ठीक है? तो सिंपल आ गया फॉर्मूला, n बाई टू इंटू में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 5 और फिर 10 माइनस 1, n माइनस 1, d कितनी है 3 है, n बाई टू 2a, a 5 था, n माइनस 1, n कितना 10 था, d कितनी थी 3 थी, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, कितना आएगा 9 3 27, ये कितना हो गया 37, अब मल्टीप्लाई में 5 कितना होगा, ये 35 के 5 बचा कैरी कितना 3, 15 और 3 18 हो गए, 185, 185 क्या आया है अभी, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने का आया है, यहाँ से यहाँ जाने का, हमें क्या करना है यहाँ से यहाँ भी आना है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 0 और ये 36 और 137, ठीक है? तो ये रहा इसकी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कराए, आई होप आपको मैंने 5.3 मीन्स चैप्टर 5 भी मैंने आपके हिंट किया, चैप्टर 5 मैंने आपको हिंट, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या गिवन इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं हमें, जब भी आपकी इच्छा हो, रात को, दिन को, सुबह शाम, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन बताऊंगा, जो डाउट्स होगा मैं डाउट क्लियर करवाऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।